काव्या के मन में रात में होने वाले फंक्शन को लेकर थोड़ी बहुत आशंका थी, लेकिन अनुराग और नीलम ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। करते करते 24 दिसंबर का वो दिन आ गया। आज पूर्णिमा थी और नेगी शिकारियों के साथ तैयार था। उन्होंने बंदूकों से लेकर सभी छोटी मोटी चीजों का इंतजाम कर लिया था। सारी प्लानिंग इतनी खुफिया तरीके से की गई थी कि इस बात की खान को जरा भी खबर नहीं थी। इस तरफ भीमा अपने घर में रात की तैयारी में जुटा हुआ था। उसने चांदी की गोलियों से भरी हुई एक पिस्तौल और कुछ चांदी की गोलियां अपने पास रखी थी। तभी उसकी पत्नी कालिंदी उसके पास आकर कहती है, सुनिए, आपको पता है ना कि जंगल में पूनम की रात को काफ़ी खतरा होता है, फिर भी आज आप वहाँ जा रहे हैं? भीमा अपनी पिस्तौल रखते हुए कहता है, उसी खतरे को हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूँ। कालिंदी दुखी होकर कहती है, मैं अपने भाई को तो खो चुकी हूँ, अब अपने सुहाग को नहीं खोना चाहती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप वहाँ नहीं जाएंगे। भीमा अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा कालिंदी, ये देखो मेरे पास ये चांदी की गोलियाँ है। आज मैं उस जानवर का हमेशा के लिए खेल खत्म कर दूंगा, और मैं अकेला नहीं हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर नेगी और दूसरे शिकारी भी है मेरे साथ। तुम देखना कालिंदी, आज इस दैत्य को हम कैसे यमलोक पहुँचाते हैं। इतना कहकर भीमा वहाँ से जाने लगता है। कालिंदी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर तब तक भीमा वहाँ से चला जाता है। रात के 9 बज रहे थे। नेगी अपने साथ उन 4 शिकारियों को लेकर आया था। उसकी जीप भीमा के घर के सामने आकर रुकती है। भीमा जीप में बैठता है और जीप जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जंगल के घने हिस्से में जहाँ पर ये वारदातें हुई थी, वहाँ पर शिकारी अपना जाल बिछाते हैं। वो लोग एक पेड़ की टहनी पर कुछ मांस के टुकड़े लटकाकर नीचे एक 6 फीट का गड्ढा खोदते हैं, ताकि मांस के चक्कर में वो जानवर नीचे गड्ढे में गिर जाए और फिर जाल में फंसाकर वे लोग उसे मार गिराए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात थे, कुछ पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे तो कुछ पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठे निशाना साधे हुए थे। उन्हें ऐसे इंतजार करते हुए अब 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था कि तभी दूर कहीं से उन्हें भेड़िए के आक्रोश का स्वर यानी वुल्फ हाउलिंग सुनाई देती है। सभी तैयार रहना, वो आ रहा है। नेगी सबको सतर्क करता है। वो भेड़िया मानव तेज गति से दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और सुनने लगता है। उसे मांस की बू आ रही थी। सामने वाले एक पेड़ की टहनी पर उसे मांस लटकता हुआ दिखता है। जैसे ही वो मांस खाने के लिए लपकता है, उस भेड़िए पर नायलॉन का एक मजबूत जाल गिरता है। तभी 2 शिकारी उस जाल को खींचकर उसे मजबूती से पकड़ते हैं। वो भेड़िया मानव जाल में फंस चुका था और गुर्राकर छूटने के लिए हाथ पैर मारकर आक्रोश कर रहा था। पहली बार उन लोगों ने ऐसे 2 पैरों पर चलने वाले अद्भुत क्रिएचर को देखा था। नेगी सबको ओपन फायर की अनुमति देता है। वैसे ही सभी उस पर गोलियां चलाते हैं। भीमा भी उस पर वो चांदी की गोली चलाता है, लेकिन जाल में होने के कारण वो जानवर छटपटा रहा था, इसलिए जाल भी हिलडुल रहा था। इसी वजह से उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा था, किस वजह से एक गोली गलती से जाल की रस्सी को छूकर निकल जाती है, जिससे जाल की रस्सी कमजोर हो गई थी। जाल टूटकर वो भेड़िया मानव नीचे उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। नेगी और भीमा समेत सभी लोग उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं। वो सभी गड्ढे की तरफ बंदूक तानकर निशाना साधे हुए थे। उन 4 शिकारियों में से एक शिकारी उस गड्ढे के कुछ ज्यादा ही नजदीक खड़ा था। नीचे झुककर देखने के चक्कर में उस शिकारी का पैर फिसलकर वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में से धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाजें, बंदूक से निकलती चिंगारियां और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऊपर खड़े सभी लोग हैरान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। तभी गड्ढे के बाहर उस शिकारी का खून से सना और कटा हुआ हाथ बाहर उछलकर आते हुए ठीक भीमा के पैर के नजदीक आकर गिरता है, जिसे देखकर भीमा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जानवर गड्ढे से बाहर छलांग लगाता है और देखते ही देखते वहां खड़े बाकी के 2 शिकारियों को एक ही झटके में निपटा देता है। ये दृश्य देखकर भीमा, नेगी और वो 2 बचे हुए शिकारी, इन सबकी हिम्मत भी टूट जाती है।
वे सब अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस तरफ रिजॉर्ट के लॉन में रिजॉर्ट की ओपनिंग और काव्या अद्वैत की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। काव्या और अद्वैत खुश थे। दोनों धीमी गति से बजते संगीत पर डांस कर रहे थे। तो इस तरफ जंगल में मौत का तांडव हो रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। भागते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो लोग बस भागते जा रहे थे, जिस वजह से वो एक दूसरे से अलग हो चुके थे। एक तरफ भीमा और नेगी थे, तो वो बचे हुए दो शिकारी भागते हुए किसी और ही दिशा में चले गए थे। भागते भागते ठेस लगने से एक शिकारी नीचे गिर जाता है। उसने मदद के लिए अपने साथी को आवाज लगाई, लेकिन उसका साथी शिकारी उसे वही छोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया। तभी वो भेड़िया उस पर झपटते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। इस तरफ भीमा और नेगी दोनों एक जगह रुककर सांस ले रहे थे। भागते भागते उनकी सांस फूल चुकी थी। तभी दूर कहीं से उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसके तुरंत बाद उन्हें एक चीख सुनाई देती है। इसका मतलब था कि वो आखिरी बचा हुआ शिकारी भी मारा गया। शिकारी खुद शिकार बनते जा रहे थे। तभी दूर जंगल के इलाके से भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। भीमा और नेगी ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वो एक दूसरे से कहना चाहते हो कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। बिना वक्त गवाए नेगी और भीमा जंगल से भागते हुए बाहर आते हैं और वो भेड़िया मानव भी उनके पीछे आता है। इस तरफ पार्टी में दो वेटर आपस में बातें कर रहे थे। भाई आज पूर्णिमा की रात है और ये लोग इतनी जगमगाहट भरी लाइटें चलाकर मजे ले रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं। ये सब उस जानवर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। मुझे तो डर लग रहा है, दूसरा वेटर कहता है। अगर नौकरी का सवाल ना होता तो मैं आज यहाँ आता ही नहीं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से उन्हें दो शख्स अपनी ओर भागकर आते हुए दिखाई देते हैं। पहला वेटर कहता है, भाई वो देख, दो लोग भागकर इधर ही आ रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो दोनों कुछ समझ पाते, इतने में उन्हें वो दैत्यनुमा जानवर दिखाई देता है। दोनों वेटर चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें ऐसे भागकर आता देख पार्टी में आए हुए सभी लोग सकपका जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। नेगी और भीमा भी जैसे तैसे उन बड़े से तारों वाले फेंसिंग को पार कर भागते हुए पार्टी में घुस जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आई हो तो आदमी बड़े से बड़ा पहाड़ भी चढ़ जाता है। उनके पीछे पीछे वो भेड़िया भी ऊंचे तारों वाले फेंसिंग को फांद कर उस पार्टी में घुस जाता है। लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया था। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड उस पर धनाधन गोलियां बरसाने लगते हैं। वो गोलियां उसे जख्मी तो करती है, पर वो दैत्य रुकता नहीं। वो भेड़िया मानो उन सिक्योरिटी गार्ड में से कुछ के ऊपर छलांग लगाकर अपने बड़े जबड़े और नुकीले दांतों से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। पार्टी में आए हुए सभी लोग ये दृश्य देखकर डर जाते हैं। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। भेड़िया अपनी जान बचाकर भाग रही एक महिला पर पीछे से हमला करता है और अपने तेज नाखूनों से उसकी पीठ पर वार करता है। वो महिला नीचे गिर जाती है और भेड़िया उसके ऊपर चढ़कर जोर से गुर्राता है। भेड़िया मानो एक मिनट में उस महिला को अपना शिकार बनाकर उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर एक गार्ड उस पर गोली चलाता है, मगर वो शापित भेड़िया इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो भेड़िया उस गार्ड की छाती के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और गार्ड भी मारा जाता है। भीमा और नेगी उस भेड़िए से बच रहे थे। नेगी एक टेबल के पीछे छुपा हुआ था। वो हिम्मत करके उस जानवर पर निशाना साधते हुए गोली चलाता है। गोली सीधे उसके हाथ में जाकर लगती है। भेड़िया मानव गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और उस पर अपने पैने नाखूनों से वार करते हुए उसकी छाती फाड़ देता है। नेगी बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। भीमा एक जगह पर छुपकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन डर के मारे उसका हाथ कांप रहा था, इसलिए गोली उसकी पीठ को चाटती हुई निकल जाती है। पहली बार उस दानव को गहरी चोट पहुंचती है। वो आक्रोश भरे स्वर में हाउलिंग करता है और भीमा की तरफ लपकता है। अपनी मौत को सामने देख भीमा के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है। भेड़िया अपने पैने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ देता है। भीमा मारा जा चुका था। ये देख नेगी की भी हिम्मत टूट जाती है।
इस तरफ खान को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि रिजॉर्ट में किसी जंगली जानवर का हमला हुआ है। वो तुरंत बाकी के अफसरों को लेकर रिजॉर्ट की तरफ निकलता है। भेड़िया एक एक करके पार्टी में आए हुए मेहमानों पर हमला कर रहा था। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। काव्या और अद्वैत दोनों उससे बचकर भाग ही रहे थे कि काव्या ठेस लगने से नीचे गिर जाती है। उस दैत्यनुमा जानवर की नज़र काव्या पर पड़ती है और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। वो भेड़िया काव्या को अपना शिकार बनाता। उससे पहले अद्वैत उसे उठाकर बाजू में धकेल देता है और काव्या पर हुआ हमला खुद झेल लेता है। भेड़िए ने अद्वैत के बाएं कंधे को बुरी तरह से नोच डाला था। वो अद्वैत के कंधों को अपने बड़े जबड़ों में दबोचकर खींचकर ले जा रहा था। काव्या चीखती हुई अपने पति को बचाने उसकी तरफ बढ़ती है। वो भेड़िया मानव अद्वैत का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी नेगी अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर वो पिस्तौल उठाता है जिसमें चांदी की गोलियां थी और निशाना साधकर उस भेड़िए पर चला देता है। धाए धाए करते हुए एक के बाद एक नेगी लगातार चार गोलियां उस भेड़िया मानव के सीने में उतार देता है और अगले ही पल अपना दम तोड़ देता है। वो भेड़िया आसमान की ओर देखकर एक लंबे स्वर में हाउलिंग करता है और तड़पते हुए वो भी अपना दम तोड़ देता है। अद्वैत बुरी तरह से घायल था। उसके बाएं कंधे से खून पानी की तरह बह रहा था। अपने पति की ऐसी हालत देख काव्या पूरी तरह से हिल गई। वो जल्दी से अद्वैत के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सादा खून बह जाने की वजह से अद्वैत बेहोश की हालत में था। काव्या मदद के लिए पुकार रही थी तभी वहाँ खान अपने टीम के साथ पहुँचता है और वहाँ का नज़ारा देख वो भी दंग रह जाता है। परिस्थिति की गंभीरता समझते हुए खान तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है और बाकी के घायलों समेत अद्वैत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में काव्या अद्वैत का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा अद्वैत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर अद्वैत को तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। करीब 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है। काव्या बाहर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब काव्या उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब कैसे हैं मेरे पति, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर कहता है, फिलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनका बहुत खून बह चुका है, इसीलिए उन्हें अगले 12 घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्या पूछती है, क्या मैं उन्हें एक बार देख सकती हूँ? जी जरूर, इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। काव्या अद्वैत के कमरे में पहुँचती है। जो अद्वैत शादी की सालगिरह शानदार तरीके से मनाना चाहता था वो आज हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए मौत से जूझ रहा था। काव्या की आंखों में आंसू थे। अद्वैत को इस हाल में देखकर काव्या तिल तिल मर रही थी। सुबह हो चुकी थी और अब तक पूरे टाउन में कल रात हुए हादसे की जानकारी फैल गई थी। सभी मीडिया वाले घटनास्थल से हादसे की न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे। जंगल में रिसोर्ट के अवैध निर्माण के चलते हुई मौतों के कारण अनुराग को संबंधित प्रशासन ने नोटिस भेजा था। वो कई मासूमों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था और न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग आग में तेल डालने का काम कर रही थी। वहां मुंबई में डॉक्टर प्रधान ने टीवी पर यह न्यूज देख ली थी और वो पंचकीरी आने के लिए निकल चुके थे। इस तरफ खान घटनास्थल पर मुआयना करते हुए अपने सहकर्मियों को कुछ सूचनाएं दे रहा था। तभी उसका एक सहकर्मी ऑफिसर उसके पास आया। खान पूछता है, यस विनोद, कुछ पता चला? फॉरेस्ट रेंजर विनोद जानकारी देते हुए कहता है, हाँ सर, जंगल के अंदर 4 लाशें मिली है, उनकी पहचान हो गई है। ये लोग गैर कानूनी तरीके से शिकार करने वाले अपराधी थे। जंगल में 4 लाशें मिली है और यहाँ रिसोर्ट में 13, कुल 17 लोग मारे गए हैं। बाकी 12 लोगों में ऑफिसर नेगी, टूरिस्ट गाइड भीमा, रिसोर्ट के गेस्ट और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पर एक आदमी की लाश की पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। खान पूछता है, कौन है वो? वो रेंजर हैरानी भरे निगाहों से लाश की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं सर, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खान कुछ सोचते हुए मन में कहता है, बड़े ताज्जुब की बात है, कौन हो सकता है ये आदमी,
और उससे भी बड़ी बात कि एक रात में किसी आदमखोर जंगली जानवर ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खान आगे पूछता है, क्या कोई बचा है? विनोद बताता है, जी सर, जिन घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया था उनमें से अद्वैत मित्तल नाम का एक आदमी सीरियस कंडीशन में है। इस हमले में बचने वाला बस वही एक इकलौता है। खान कहता है, ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। खान अपने बाकी के अफसरों को उस जगह की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने की सूचना देता है और सहकर्मी ऑफिसर विनोद को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर खान वहां के सीनियर डॉक्टर बंसल से मिलता है। उनसे मिलकर घायलों और मारे गए लोगों के बारे में खान डॉक्टर बंसल से पूछताछ करता है। रिजॉर्ट से जिन चार घायल लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था उनमें से तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर बंसल खान और विनोद को मॉर्ग रूम लेकर जाते हैं। वहां रिजॉर्ट में हुए उस जानवर के हमले में मारे गए लोगों की लाशें रखी हुई थी। ज्यादातर लाशें काफी बुरी हालत में थी, जिन्हें देखकर खान और विनोद दोनों भी काफी दंग रह गए थे। डॉक्टर बंसल हैरानी जताते हुए कहते हैं, मेरे 30 साल के डॉक्टरी पेशे के करियर में मैंने इतनी भयानक स्थिति कभी नहीं देखी। खान पूछता है, डॉक्टर क्या आप बता सकते हैं कि यह किस जानवर का काम हो सकता है? डॉक्टर बंसल खान को लाशों के जख्म दिखाते हुए आगे बताते हैं, यह किस जानवर का काम है ये बताना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जंगली जानवरों के हमले से होने वाले जख्म इतने ज्यादा गहरे नहीं होते, लेकिन इन जख्मों को देखिए, ये सामान्य से कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। इतने गहरे घाव मैंने आज तक नहीं देखे। इतना तो तय है कि ये जरूर कोई आदमखोर जानवर है। बंसल की बातें सुनकर खान बड़ी हैरत में पड़ गया था। वो मन में सोचने लगा, जहां तक मैं जानता हूं कोई सामान्य जानवर इस तरह से पेश नहीं आते, तो फिर ये कौन सा जानवर है जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है? कहीं ये नेगी सच तो नहीं कह रहा था? खान के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे, सब कुछ उलझा हुआ था।